प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के तजुर्बे के जरिए हमने देखा कि किस तरह बुनियादी मादों का वजन और कीमत तामुलात के नतीजे में हासिल शुदा मादों का वजन में कोई किस्म की तब्दीली नहीं होती, यानी जो वजन पहले था कीमत तामुलात के बाद में भी वजन वही रहता है। इसी की तहकीक के लिए 1785 में फ्रेंच साइंसदान एंथन लावार्जे ने कुछ तहकीक की और नतीजा अखज किया कि कीमत तामुलात के दौरान जो अशिया हम हासिल करते हैं उनका वजन मसावी होता है आमिल अशिया से, यानी कीमत तामुल के दौरान जब हम किसी आमिल अशिया का यानी जो अशिया का इस्तेमाल करते हैं कीमत तामुलात के दौरान जब हमें अशिया हासिल होती है तो उसका वजन और पहले वाली अशिया का वजन मसावी होता है, यानी इनके मादों के वजन में किसी भी किस्म की ना तो कमी होती है और न ही इजाफा होता है। यानी कीमत तामुलात में हिस्सा लेने वाली आमिल अशिया और हासिल होने वाली अशिया का जुमले वजन मसावी होता है और इसी को मादे की बका का कानून कहते हैं। आइए अब हम कुछ मिसाल के जरिए इसकी और तस्दीक करेंगे। देखिए, अगर हम कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये दोनों के दरमियान कीमत तामुल करें और तामुल करने से पहले इसका वजन कर ले तो तकरीबन 300 ग्राम वजन, फर्ज कीजिए कि 300 ग्राम वजन है। लेकिन जब हम कीमत तामुल करते हैं तो उसके बाद जो हमें अशिया हासिल होती है जैसे कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनका जब हम वजन करते हैं तो इनका वजन पहले वाले वजन के मसावी होता है। यानी कीमत तामुलात में हिस्सा लेने वाली या इस्तेमाल होने वाली आमिल अशिया और तैयार होने वाली हासिल अशिया का जब हम वजन करते हैं तो दोनों भी मसावी होता है और इसे ही मादे की बका का कानून कहते हैं।